Good morning, students. Today I am going to explain essay about the rainy season. We have three main seasons: summer, winter, and monsoon. Some people like summer season, some people like winter season, and some people like rainy season. Okay. The another name of the rainy season is called monsoon. रेनी सीजन को हम मॉनसून भी कहते हैं. ओके, इसके अलावा दो और भी सीजन है, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन. ओके, बट मेन वी नो अबाउट द समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन. सबको रेनी सीजन बहुत पसंद होती है. जब बारिश होती है तो बारिश में आप नहाने के लिए भी निकलते हो ना, टेरेस पे जाते होंगे. Do you like to enjoy with the rain? आप सबको enjoy करते हो ना? उस दिन क्या करेंगे आप? घर में चाय बनेगी गर्म, भजिया. ओके, सो सब अलग अलग तरीके से enjoy करते हैं. सो टुडे ऑल्सो वी हैव टू लर्न अबाउट रेनी सीजन. सो वेन इट विल बी स्टार्ट, सभी सीजन स्टार्ट होती है, उसके साथ उसका एंड भी होता है. पर्टिकुलर मंथ एंड डे, डे तो नहीं होता है लेकिन पर्टिकुलर उसका मंथ होता है. जैसे कि रेनी सीजन, सो द रेनी सीजन बिगिंस इन जून, जब हमारी स्कूल स्टार्ट होती है. ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल या इन द मिडल ऑफ द स्कूल, जब स्कूल स्टार्ट होती है तब मोस्टली रेनी सीजन की शुरुआत हो जाती है. So the rainy season begins in June. तो जून महीने में बारिश की शुरुआत हो जाती है. It ends in October. End कब होता है? October में. फिर October से धीरे धीरे कौन सी सीजन स्टार्ट होती है? तो ठंड लगती है ना, स्वेटर पहन के आपको, तो विंटर की शुरुआत होती है. सो मोस्टली नवंबर और दिसंबर में शुरुआत हो जाती है उसकी. तो द रेनी सीजन बिगिंस इन जून, उसकी शुरुआत, बारिश की शुरुआत होती है जून में, एंड होता है अक्टूबर में. ओके, नेक्स्ट देखो आगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रेनी सीजन है उसे हम मॉनसून भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो आगे. इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स. द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स. तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको पता ही होगा क्या बादल देखना, जो स्काई है वो कैसा होगा, डार्क क्लाउड्स मींस काले रंग के बन जाते हैं एकदम, और ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है. तो जब मॉनसून होता है, रेनी सीजन होती है, तो स्काई का कलर भी चेंज हो जाता है. ओके, जो बादल होते हैं वो काले काले एकदम हमें नजर आते हैं. ओके, आगे देखो. वी सी लाइटनिंग इन द स्काई. वी सी लाइटनिंग इन द स्काई. तो लाइटनिंग का मतलब होगा, आपको लग रहा होगा कि स्काई में लाइट हो रही है. नो, ऐसा नहीं है. ओके, आपने बिजली का तो नाम सुना है ना, कि जब बारिश की सीजन होती है तो बिजली ज्यादा चमकती है, गरजते हैं ऐसा, गरजने की आवाज भी हमें सुनाई देती है. तो जो बिजली चमकती है इज कॉल्ड लाइटनिंग. और वो ज्यादातर लाइटनिंग कब होता है? तो रेनी सीजन में. तो वी सी लाइटनिंग इन द स्काई, आकाश में हमें बिजली चमकती हुई नजर आती है, जो बादल है वो काले बन जाते हैं. नेक्स्ट देखो आगे. फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स एंड सो सीड्स. फार्मर्स मींस कौन, जो खेत में काम करते हैं, जो खेडूत है वो. फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स. फील्ड्स का मतलब होता है खेत. एंड शो सीड्स, सीड्स यानी कि जो बीज बोते हैं वो. तो रेनी सीजन में देखना, मोस्टली
जो क्रॉप्स होते हैं मतलब जो अनाज होता है जो पाक होता है उसे ग्रो किया जाता है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है पानी देने की जरूरत ज्यादा नहीं होती क्योंकि रेनी सीजन में बारिश होती है, उसकी वजह से जो क्रॉप्स होता है जो वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो फार्मर्स के लिए जो रेनी सीजन है वो बहुत ही हेल्पफुल है ओके, क्योंकि वो सीजन में ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स, पहले तो वो क्या करेंगे खेत को प्लाउ मतलब खेल देंगे, एंड सो सीड्स फिर उसमें बीज जो है वो बोते हैं, सो द सीड्स। तो रेनी सीजन इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट देखो आगे, क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो, जैसे कि मैंने अभी कहा ना क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो, पार्क जो है क्योंकि रेनी सीजन में जब हम ग्रो करते हैं तो पानी तो उनको इतना भरपूर मात्रा में मिल जाता है और जो उनमें खाद डालते हैं वो भी उनसे, तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स होता है वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। सो क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो, उसकी शुरुआत होती है ग्रो होने की। नेक्स्ट द रिवर्स एंड लेक्स, द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ वाटर, द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ वाटर, मतलब जब बारिश गिरती है रेनी सीजन में तो हम देख रहे हैं कि जो नदियां होती हैं, जो तालाब होते हैं, जो लेक्स होते हैं वो पूरे पानी से भर जाते हैं। अगर आपके आजू बाजू में भी ऐसी जगह है पानी वाली तो आप देखना बारिश की जगह में क्या होता है वो जगह पे ज्यादातर पानी भर जाता है। सोसाइटी में कई बार बहुत बारिश होने की वजह से पानी भर जाता है, रोड पे भी पानी आ जाता है, कई सारे ऐसे एरिया है तो अगर बारिश ज्यादा होती है तो वो जगह पे पानी भर जाता है। तो यहाँ पर भी रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ वाटर, नदी में भी बहुत पानी आ जाता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द रेन, जैसे कि मैंने बताया ना कि बच्चों को बारिश की सीजन में खेलना बहुत अच्छा लगता है, खेलना मतलब वो बाहर नहीं जाते, वो क्या करते हैं बोट बनाएंगे कागज की फिर पानी में रखेंगे ओके, बारिश में नहाने जाते हैं, एंड दे लाइक टू एंजॉय विद द रेन। सो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द रेन, दे सेल पेपर बोट्स इन स्मॉल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मतलब छोटा सा झरना होता है वहां पर, तो सेल मतलब पेपर बोट्स मतलब कागज की नाव, सेल मतलब तैरने का रखना, तो बच्चे कागज की नाव बनाते हैं और उसे पानी में तैरने के लिए रखते हैं। सो लाइक दैट दे एंजॉय विद द रेन, पीपल आर सीन विद अम्ब्रेलास और वेयरिंग रेन कोट्स, पीपल आर सीन विद अम्ब्रेलास और वेयरिंग रेन कोट्स, जैसे गर्मी में हम गर्मी से बचने के लिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, घर में फैन और एसी कूलर का यूज करते हैं, लाइक इन विंटर सीजन ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं तो वी वेयर स्वेटर, हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना वूलन का, उसी तरह रेनी सीजन में बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं तो बारिश से बचने के लिए हम छाते का यूज करते हैं, अम्ब्रेला और रेनकोट पहनते हैं ओके। सो पीपल आर सीन विद अम्ब्रेलास और वेयरिंग रेनकोट्स, सो रेनी सीजन में जब बारिश होती है तो सब लोग छाता लेते हुए हमें नजर आते हैं, कई लोगों ने रेनकोट भी पहना हुआ होता है ओके। सो ये था ऐसे अबाउट रेनी सीजन, वंस अगेन आई विल रीड दिस एसे एंड यू हैव टू ऑल्सो रीड विद मी। फर्स्ट द रेनी सीजन बिगिंस इन जून, द रेनी सीजन बिगिंस इन जून, इट एंड्स इन अक्टूबर, इट एंड्स इन अक्टूबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून, इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन द स्काई इज, द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, वी सी लाइटनिंग इन द स्काई,
वी सी लाइटनिंग इन द स्काई. फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स एंड सो सीड्स. फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स एंड सो सीड्स. क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो. क्रॉप्स बिगिन टू ग्रो. द रिवर्स एंड लेक्स. द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ वॉटर. द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ वॉटर. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द रेन. दे सेल पेपर बोट्स इन स्मॉल स्ट्रीम्स. दे सेल पेपर बोट्स इन स्मॉल स्ट्रीम्स. पीपल आर सीन विथ अम्ब्रेलास और वेयरिंग रेन कोट्स. पीपल आर सीन विथ अम्ब्रेलास और वेयरिंग रेन कोट्स. ओके, सो राइट डाउन दिस एसे इन योर इंग्लिश एसे राइटिंग नोटबुक विद द गुड हैंडराइटिंग. रीड इट ऑल्सो एंड लर्न इट ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स.